हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन के कार्यपालक सहायक के एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बेल्ट्रॉन के जितने भी कार्यपालक सहायक है, अब उनके एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन के द्वारा ही ली जाने वाली है और उसके एडमिट कार्ड के लिंक भी जारी कर दिए गए हैं, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी नोटिस और सर्किल ज्वाइनिंग से रिलेटिंग अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ जो पहले DEO LRC की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, वो ही सिर्फ नोटिफिकेशन है, उससे आगे की कोई प्रोसेस अभी नहीं हुई है। और दोस्तों, चलते हैं, हम ली एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं दोस्तों, 28 जुलाई 2021 को एक लिंक जारी की गई है, जिस लिंक के जरिए हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, ये लिंक जो है थोड़ी अभी प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि यह लिंक ओपन नहीं हो पा रही है। कुछ समय पहले यह लिंक ओपन हो रही थी, जहां से आसानी से डाउनलोड हो जा रहे थे एडमिट कार्ड। उसके लिए आपको सिर्फ एप्लीकेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, उसके बाद आप यहां से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ओपन होने में कोई समस्या नहीं होगी, हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होगा। यहां आप देख सकते हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यहां आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी रहेगी, डेट ऑफ बर्थ, और एग्ज़ाम सेंटर आपके दोस्तों ION डिजिटल जोन है, जो कि पाटलिपुत्रा में है, बुधा ये पटना के बिहार में है। तो दोस्तों, यहाँ ही आपकी एग्ज़ाम होगी। जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो 31 जुलाई 2021 है और टाइपिंग रिपोर्ट आपकी 7:30 बजे से है और आपकी जो गेट है वो क्लोज 8:30 बजे हो जाएगी और आपकी एग्ज़ाम 9 बजे शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में आने के लिए एक फ़ोटो, एक गवर्नमेंट ID यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, वो आपको साथ लेके आना है। और एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन है, जो कि COVID-19 के लेकर ऐसे फॉर्म लागू किए गए हैं, जो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे ही सबमिट करने होंगे और ऐसे जमा भी वहीं करने हैं एग्ज़ाम देने के पहले। तो यहाँ आपको अपनी डिटेल्स, जैसे कि आपको अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, एग्ज़ाम डेट आपका और एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करने हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एडमिट कार्ड को जल्द से जल्द